નમસ્કાર, હું છું કરણ ચાવડા અને આપણી સાથે આજે રજૂ થઈ રહ્યા છે વડોદરાની ધરતી ઉપર, એટલે કે સંસ્કારી ધરતી ઉપર, શ્રી સૃજન પાલ સિંહ સાહેબ. આમનો પરિચય આપતો કહું તો પૂર્વ એટલે કે 11મા રાષ્ટ્રપતિ અબ્દુલ કલામ સાહેબના એડવાઇઝર અને સેક્રેટરી રહી ચૂક્યા છે. તો પહેલે આપકા બરોડા મેં હાર્દિક સ્વાગત હૈ. ધન્યવાદ કરું. ઓર બરોડા મેં કૈસા લગા પહેલે તો આપકો? બરોડા મેં પહેલી વાર નહીં આ રહા, બરોડા મેં બહોત બાર આ ચુકા હું. ઓર બરોડા એક એસા જિલ્લા હૈ, એક એસી જગહ હૈ, ઓર એક એસા કિંગડમ ભી થા પહેલે, જિસને હમેશા શિક્ષા ઓર વિજ્ઞાન કે ક્ષેત્ર મેં અપને સમાજ કો બહોત પ્રોત્સાહન દિયા હૈ. બહોત અચ્છી અચ્છી યુનિવર્સિટીઝ બની હૈ, આર્ટ કે ક્ષેત્ર મેં બહોત કામ હૈ, સાયન્સ કે ક્ષેત્ર મેં કામ હૈ, ઓર ઐતિહાસિક નજરિયે સે કામ હોતા આ રહા હૈ. ઓર બરોડા કે નિવાસીઓ મેં વો જો સ્પિરિટ હૈ સાયન્ટિફિક ઇન્ક્વાયરી કી, આર્ટ કી એપ્રિસિએશન કી, નોલેજ કી, રિસ્પેક્ટ કી, વો આજ ભી કાયમ હૈ ઓર બઢતી જા રહી હૈ. ઓર ઇસીલિયે આજ ભી હમ બરોડા સે જો યુવા દેખતે હૈં વો ના સિર્ફ ખુદ પઢને મેં ઇન્ટરેસ્ટ રખતે હૈં બલ્કિ દૂસરો કો પઢાને મેં ભી ઇન્ટરેસ્ટ રખતે હૈં. થોડે હમારે સવાલ જો બરોડા સે અલગ અલગ જગાઓ સે, યાને કે ગુજરાત કે અલગ અલગ જગાઓ સે આયે હૈ. પહેલે તો એ કહેના ચાહતા હું કે સર સબસે મતલબ કલામ સાહેબ સે આપકા બીતાય હોવા એક અચ્છા સા પલ, એક અચ્છા સા કોણ સા એસા મિડાસ ટચ થા જો આપકો એક કોમન મેન સે મતલબ આપ શિખર પર લે ગયે, તો એસા કોણ સા મિડાસ ટચ યે મહાન લોગો મેં હોતા હૈ? એક મલ્લા કા લડકા જબ વો ફિઝિક્સ પડતા હૈ મંદિર કી સીડીઓ પર ઓર વો આગે જાકે 11મે રાષ્ટ્રપતિ કે રૂપ મેં શપથ ગ્રહણ કરતા હૈ, તો વો કોણ સા મિડાસ ટચ હોતા હૈ જિસે આદમી ખુદમાં ખુદ નિખર જાતા હૈ? देखिए एक नहीं होता है जिंदगी में, और ये मिडास टच की जिसको आप बात कर रहे हैं, ये मिडास कौन होता है ये भी जानना आवश्यक है. तो ये मिडास कौन है? ये मिडास हमारे गुरु थे. तो कलाम साहब की जिंदगी में ऐसे बहुत सारे गुरु थे, उनकी शिवा सुब्रमण्यम अय्यर थे उनकी गुरु, शिवा सुब्रमण्यम जो 10 साल की उम्र में उन्होंने उनको चिड़िया कैसे उड़ती है ये सिखाया जब वो क्लास 5 में थे, और उसकी वजह से वो पायलट बनने के लिए प्रेरित हुए. उसके बाद उनकी जिंदगी में विक्रम सारा भाई आए, रेवरेंड फादर पीटर परेरा आए, उसके अलावा सतीश धवन आए, ब्रह्म प्रकाश जी आए, और इस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर कलाम जो बने हैं उनको बनाने में योगदान दिया, और ऐसे बहुत सारे टीचर हैं, उनकी माँ और पिता का भी योगदान है. तो ये सारे लोग मिल करके एक मिडास टच नहीं होता, मिडास टच कई मिडास के कई टचेज होते हैं, जो एक छोटे से बच्चे को जो एक रामेश्वरम के छोटे से जगह में पैदा होकर के वो राष्ट्रपति यात्रा करते हैं. कलाम साहब हमेशा सब बच्चों से बोलते, वो भी एक मिडास टच वैसे मिडास थे, वो एक तरह के वो हमेशा पूछते थे. मैं उनका छात्र था आईएम अहमदाबाद में 2008 में, और वो हमेशा एक सवाल पूछते थे कि तुम किस चीज़ के लिए याद रखे जाना चाहते हो, व्हाट वुड यू लाइक टू बी रिमेम्बर्ड फॉर. तो आज आपसे भी मैं पूछता हूँ करण, और जो लोग देख रहे हैं उनसे भी पूछता हूँ, ये सवाल डॉक्टर कलाम का आपको अपने आप से पूछना है, व्हाट विल आई बी रिमेम्बर्ड फॉर, मैं किस चीज़ के लिए याद रखा जाना चाहता हूँ. और डॉक्टर कलाम का जो मिडास टच था वो ये कहते थे कि इसलिए मत करो कि मैंने अपने लिए क्या किया, बल्कि मैंने दूसरों के लिए क्या किया, क्या किया? और सपने ऐसे देखो, व्हाट कैन आई बी रिमेम्बर्ड में, जो बहुत बड़े हों. सपने ऐसे देखो जो सोते हुए नहीं देखो, जो आपको सोने ना दे वैसे सपने देखो. तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप ऐसे डॉक्टर बनो जो कैंसर को क्योर करें, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप ऐसी बिल्डिंग बनाने के बारे में सोचो जो दुनिया में सबसे बड़ी और सस्टेनेबल है. तो ऐसे हम लोगों को बड़े बड़े लक्ष्य रखने की आवश्यकता है, और जितने बचपन में जितनी छोटी उम्र में जितने बड़े लक्ष्य रखने के हम लोग अपने आप को प्रेरित कर लें और अपने बच्चों को प्रेरित कर लें, हमारा समाज उतनी ही तेजी से आगे. शुक्रिया. और दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं. एक इंडिया 2020 नाम की बुक है वाईएस रेड्डी के साथ, जो मैंने गए साल वाईएस राजन के साथ, तो मैंने गए साल पढ़ी थी. उसमें एक चैप्टर है मिस्ड अपॉर्चुनिटी, कि भारत ने जितनी जितनी भी अपॉर्चुनिटी मिस की है. तो आपको क्या लगता है कि आज के भारत में जो आधुनिक भारत है उसमें कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो मिस्ड हो रही है और आज के युवा लोगों को उसको पकड़ना चाहिए, कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है? देखिए ये जो आप किताब की चर्चा कर रहे हैं विजन फॉर न्यू मिलेनियम 2020 वाईएस राजन और डॉक्टर कलाम ने जो लिखी, ये अब 1999 और 1999 में आने वाले 21 साल में भारत को कैसा होना चाहिए और कैसे उस पथ की ओर जाना चाहिए इसके बारे में उन्होंने चर्चा की. ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बात है, क्योंकि उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी, इंटरनेट, वॉइस ओवर इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, रूरल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों की बात करी. उनमें से बहुत सारी चीज़ें हमने हासिल भी करी, एक हद तक करी, कुछ चीज़ों में हम पीछे भी रह गए. आपका सवाल यह था कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी क्या है. तो मिस्ड अपॉर्चुनिटी से पहले ये भी एक्नॉलेज करना आवश्यक है कि
विगत 20 सालों में जब से वो किताब आई है और आज 2019 है, हमने बहुत कुछ अचीव भी किया है। लेकिन हाँ, एक क्रिटिकल एनालिसिस के तहत हमें अपने देश के मिस्ड अपॉर्चुनिटी की भी बात करनी चाहिए, ये भी आवश्यक है, क्योंकि हमें अपना आप को तो आईना दिखा ही सकते हैं। सबसे बड़ी मेरे ख्याल में अगर आज की डेट में एक अपॉर्चुनिटी है जिसको शायद हम उतनी तेजी से नहीं इनकैश कर रहे हैं, वो है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड। हम इस बात को लेकर तो खुश हो जाते हैं कि हमारे यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा युवा है 65%। अगर उस युवा का हम कुछ करेंगे नहीं, अगर हम युवा को सही ट्रेनिंग नहीं देंगे, सही एजुकेशन नहीं देंगे, सही टूल्स, स्किल्स और जॉब्स और एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, तो ये सारा डेमोग्राफिक डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय जीरो हो जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी होगी जो इतिहास में ही शायद किसी सोसाइटी को हजार साल में एक बार। ये बहुत आवश्यक है कि हम भारत के स्कूलों में, खास तौर से ऐसे स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल हैं और गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं, जहाँ हमारे 78% बच्चे पढ़ते हैं, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, हमारे मेडिकल कॉलेजेस, हमारे रेगुलर साइंस ह्यूमैनिटीज़ के कॉलेजेस, इनको हम विश्व स्तर पे कैसे लाएं, ये आवश्यक है। मुझे दुख होता है कभी कभी ये देख कर कि टॉप 200 में न्यूज़ आती है, टॉप 200 में भारत के 3 कॉलेज, टॉप 200 में 3 कॉलेज से हम सेटिस्फाइड नहीं होने चाहिए, हमें टॉप 3 में 3 कॉलेज चाहिए। तब तो भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड का कुछ कर रहा है। हमें तो, हम वो देश हैं जहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, वो सब हमारे होने चाहिए। क्योंकि हमारे से ज्यादा पोटेंशियली किसके पास नहीं। नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ थी, तक्षशिला देश की पहली, विश्व की पहली नंबर 1, नंबर 2 वो यूनिवर्सिटीज ही थी। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी, खासतौर से नालंदा, एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी इज एन इंडियन कॉन्सेप्ट। यस, इंडियन कॉन्सेप्ट है। भारत में इकोनॉमिक्स की, जो अर्थव्यवस्था की बात हम लोग महाभारत में करते हैं, वो वेस्टर्न सोसाइटी ने हजार साल बाद करी एडम स्मिथ के साथ। ऐसी सारी चीजों, ऐसी सोसाइटी कैसे अफोर्ड कर सकती है कि हम 200 में 3 यूनिवर्सिटी ले आए, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल नहीं है, हमें 3 में 3 चाहिए, 3 में 3 चाहिए। तो ये आज का युवा ध्यान रखेगा और एक्सीलेंस के पीछे भागेगा, ये मेरी है। और दूसरा एक सवाल, आजकल के युवाओं का पता नहीं क्या हो गया है, स्थिर नहीं रहते। मतलब मुझे भी कभी लगता है कि मैं यहाँ पर हूँ, इससे अच्छी मेरे को जगह दूसरी जगह मिलेगी, वहाँ पे पहुँच जाता हूँ तो मुझको ऐसा लगता है कि यहाँ मेरे को अच्छी मिलेगी। तो ऐसा कौन सा स्टेज, मतलब ये संतुष्ट असंतुष्ट की भावना है, वो हम कैसे उसको दूर करें? देखिए, असंतुष्टि की भावना 2-3 तरीके से आ रही है, इसका जवाब थोड़ा सा लंबा होगा। एक तो हम लोग एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की सोसाइटी में जा रहे हैं। आप छोटी सी चीज सोचिए, मैं दिल्ली में रहता हूँ, अगर मुझे कुछ भी खाना है तो 15 मिनट पे वो मोबाइल ऐप से ऑर्डर करके आ जाता है। आपको जो चाहिए आपको तुरंत मिलना शुरू हो गया, और आपके पास जो है उससे कुछ बेहतर जस्ट मार्केट में पड़ा हुआ है, जस्ट बेहतर, 5% बेहतर, 2% बेहतर, और आप अपने आप को दूसरों से बेंचमार्क करने लगे कि उसके पास वो है तो मेरे पास क्यों नहीं है। चीज़ों को कंज्यूम करने से खुशी नहीं मिलती, सिर्फ किसी चीज़ को आप कंज्यूम कर लोगे तो खुशी नहीं मिल जाएगी, उसको चेरिश करने से खुशी मिलती है। जब हम लोग छोटे बच्चे थे, छोटी सी चीज़ को लेकर के ना, छोटा सा खिलौना भी होता था तो उसको अपनापन के साथ रखते थे, उस अपनेपन से खुशी मिलती थी, उसको सिर्फ रखने से खुशी नहीं मिलती। हम लोग बहुत सारी चीज़ें ना अपने शेल्फ में रखना चाहते हैं, शेल्फ भर जाए, दिल खाली रह जाता है, क्योंकि दिल में कुछ जाता ही नहीं है, जब तक तो वो जाता है तब तो दूसरा आ जाता है। तो इसलिए ये जनरल ग्रेटिफिकेशन की, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एटीट्यूड है, ये बंद करना होगा। हमें चीज़ों को लगाव देना पड़ेगा और चीज़ों से ज़्यादा लोगों को लगाव, लोगों को। अगर आप सबसे ज़्यादा खुशी किसमें मिलती है, दो लोगों को, अगर आप अपनी माँ को कॉल करें, डॉक्टर कलाम कहते थे, साहब मुझसे रोज़ पूछते थे, क्या तुमने अपनी माँ को कॉल किया, क्या आपने अपनी माँ से क्या बात करी, बताओ छोटी सी बात बताओ, क्या बात करी उनसे, पूछा कि आपने खाना खाया या क्या बना खाने में, कुछ भी पूछिए। आप लोगों से लगाव करना शुरू करिए, चीज़ों से, और चीज़ों से भी जो आपके पास हैं उनसे भी आप संयम के साथ, कंजम्पशन से हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, चेरिश करने से मिलेगी। और किसी भी चीज़ में सफलता प्राप्त करने के लिए उसमें समय लेना पड़ता है, बीज लगाते ही पेड़ नहीं उग जाता, पेड़ नहीं उग जाता, बीज लगाने के बाद उसको सींचना पड़ता है, पेड़ उगेगा ये गारंटी है, लेकिन समय लगेगा। अगर आप सींचते रहोगे तो पेड़ उगेगा, अगर आप 3 दिन बाद अरे पेड़ नहीं बना, बीज तो लगाया था, पेड़ तो उगा ही नहीं, तो ये झूठ बोला गया, ये एटीट्यूड गलत है। और इसमें काफ़ी कुछ सोशल मीडिया वगैरह का भी एटीट्यूड है, मैं देखता हूँ लोगों का सोशल मीडिया प्रोफाइल, किसी ने मैराथन दौड़ी है, कोई विदेश के टूर पे है, किसी को प्रमोशन मिल गया है, किसी के साथ ये हो गया, सब कुछ अच्छा हो रहा है। आपको नहीं पता कि उस अच्छाई के पीछे उनके अंदर दुख भी हैं जो कोई नहीं बताता सोशल मीडिया पे। तो इसलिए हम एक ऐसी सोसाइटी में आ गए हैं जहाँ हमें लगता है कि हर कोई बहुत कुछ कर रहा है, किसी की ज़िंदगी में दुखी नहीं है, सिर्फ मेरी ज़िंदगी में दुख है, और फिर मैं भी जाकर के इंटरनेट पर वही चीज़ें बोलूँगा जो अच्छी हैं, और शायद 10 का 20 बोलूँगा। इस वजह से हम एक ब्लोटेड सोसाइटी में जी रहे हैं जहाँ हैप्पीनेस है नहीं, बस दिख रही है, गुब्बारे की तरह फोटो के दुखे जनरेशन, बस
हर इंसान के अंदर दुख है, हर इंसान की समस्याएं, हर इंसान कठिनाइयों से गुजर रहा है, बस आपको पता नहीं लग रहा है, आपको सिर्फ एक साइड दिख रहा है, तो आपको लगता है कि दुनिया ही ऐसी है, मैं ही कुछ गलत सोच रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ गड़बड़ है। इसलिए ये संयम रखना आवश्यक है। ज़िंदगी में आपकी रोज़ 86,400 सेकेंड, उन 86,400 सेकेंड में आप खुश कैसे रहें ये आवश्यक है। कलाम साहब कहते थे सफल बनकर खुशी नहीं मिलती, खुश होकर सफलता मिलती, खुश होकर सफलता। तो पहले खुश हो जाइए फिर सफल हो जाइए। और एक दूसरा सवाल, कैसा था वो आखिरी पल जब कलाम साहब दुनिया से गुजर गए, दूसरी दुनिया में, वो कैसा था? देखिए, वो 27 जुलाई 2015 की बात आप कर रहे हो। 27 जुलाई 2015 को हम लोग आई एम शिलोंग में उनका एक लेक्चर चलता था 2 दिन का, वहाँ हम लोग जा रहे थे और दिल्ली से गुवाहाटी गए करीब 12:30 बजे हम दिल्ली से टेक ऑफ करे विस्तारा की फ्लाइट का। एक बैग होता था, हैंड बैग काले रंग का, मैं और वो बगल में बैठते थे। हम जैसे ही गुवाहाटी में उतरे, गुवाहाटी से हमें गाड़ी से जाना था शिलोंग, तो करीब 2.5 घंटा हवाई जहाज़ और 3 घंटा गाड़ी से होते हुए हम लोग लगभग 6 बजे तक पहुँच गए, 6:30 क्लास। तो जब हम लोग वहाँ गए तो गुवाहाटी में उतरे हूँ, तो मैंने उनका बैग उठाया, तो बैग तो बड़ा था। मैंने कहा सर आप, मैं मजाक कर लेता था, मैंने कहा सर आप दिल्ली से पत्थर लेके आए, इतना भारी ईंटें हैं क्या इसमें? तो बोलते हैं नहीं, खोल के देखो क्या है। तो खोल के देखा, उसमें एक किताब निकली, दूसरी किताब निकली, तीसरी किताब निकली। तो मैंने कहा सर आप, 3 मोटी मोटी किताबें बैग में भर के चल रहे हो, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? कहते देखो ये वाली पहली किताब मैंने आधी पढ़ ली, अभी मेरे पास 6 घंटा है, 6 घंटा फ्लाइट में, 6 घंटा मतलब आना जाना 6 घंटा, और आना जाना उसमें भी 6 घंटा, करीब 11-12 घंटे हैं मेरे पास। 11-12 घंटे की यात्रा का जो टाइम है उसमें मैं ये वाली आधी किताब तो पढ़ लूँगा, फिर भी मेरा कुछ टाइम बचा तो मैं दूसरी किताब ले आया। और अगर ये किताब, तो मैंने कहा तीसरी किताब क्यों लाया? तो बोलते अगर ये सेकेंड किताब अच्छी नहीं निकली तो बैकअप किताब चाहिए। तो समय का उपयोग करना, 83 साल की उम्र में भी जब वो राष्ट्रपति भी बन चुके थे, मिसाइल मैन भी बन चुके थे, स्पेस में भी चले गए, अब कुछ बचा नहीं था उनके लिए, लेकिन उसके बाद भी ज्ञान अर्जित करना एक तरह की आदत होती है और वो आपकी मजबूरी बन जाती है। ये अच्छी मजबूरी होती है कि आपको जब तक कुछ नया नहीं पता लग रहा है ना, तब तक आपको जिंदगी में चैन नहीं पड़ रहा, चैन नहीं पड़ रहा। तो इसलिए वो उनकी आदत 83 साल की उम्र में और हम सबको डालनी चाहिए, समय का सदुपयोग। पहला लेसन जाते जाते फिर हम गाड़ी में बैठे, जब आई एम गुवाहाटी से आई एम शिलोंग के लिए, तो वो बोलते हैं कि हम लोग ऐसी नॉर्मल बातें कर रहे थे, सारी बातें हुई, उनमें से एक बात करते करते वो सामने गाड़ी जा रही थी, हमारे जो एस्कॉर्ट होता है उसमें पीछे का एरिया खुला हुआ था, तो उसमें दो साइड में जवान थे, वो बैठे हुए थे कमांडो और उनके सब बंधा होता है, उसे दिखता रहता है, और बीच में एक जवान एकदम खड़ा हुआ था, वो अब मुस्तैद एकदम बंदूक लिए। तो वो बोलते हैं कि अरे ये जो बच्चा, ये बीच वाला जो है जवान, ये खड़ा क्यों है? तो सर इसको बॉस ने बोला हुआ है खड़ा, और ये बैठे क्यों? बॉस ने बोला हुआ है। बोलते हैं कि लेकिन इसको बोल दो बैठ जाए ना, आपकी सुरक्षा में खड़ा है। तो बोलते नहीं, बोलो बैठ जाए। अब कैसे बोल दो बैठ जाए, मतलब वो तो तेज़ी से चल रही है और पीछे 8 गाड़ियां हैं, आगे एक गाड़ी चल रही है, हमारे पूरा कॉन्वॉय है। तो मैंने अपने सिक्योरिटी वाले को बोला जो साथ हमारे आगे बैठे, मैंने बोला इसको बोल दो कि बैठ जाए। उसने वॉकी टॉकी किया, अब वॉकी टॉकी हवा में समझ में नहीं आता, तेज़ हवा चल रही है समझ में नहीं आता, उसकी तो गाड़ी खुली हुई है, तो वो पीछे लेट खड़ा गाड़ी खड़ा। तो मैंने कहा सर उसको सुनाई नहीं दे रहा। तो बोलते नहीं नहीं, मैं तुमने पूरी कोशिश नहीं करी। तो कहते हैं कि ऐसा करो, इसको मैं बोलता हूँ, वो पीछे देख रहा है, उसको दिख रहा है हम क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला बैठ जाओ, है ना। तो उसको लगा कि राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि तेज चलो, तेज चलो, ये दिखा उसको ऐसे ऐसे नहीं दिखा, उसको ऐसे ऐसे दिखा, ठीक है, ये समझने का पेड़ है। अब उसको भी क्या लगा, राष्ट्रपति बैठे खड़े उनको क्या फर्क पड़ता है। तो उसने तेज भगा दी, तो पीछे वाली गाड़ियाँ सब चिल्लाने लगी, पीछे एम्बुलेंस होती है, फायर ब्रिगेड होती है, वो हॉर्न बजा रही। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा मैं फिर और कोशिश करता हूँ। मैंने कहा सर देखिए गड़बड़ हो रहा है। तो बोलते नहीं नहीं अभी समझेगा, फिर ऐसे ऐसे करते हैं। उसका कहा नहीं साहब, बोल रहे थे तेज नहीं, धीमे चलो धीमे चलो, वो ऐसे ऐसे कर रहे थे धीमे धीमे। उसके साथ धीमे चलो, जैसे धीमे चलने लगी आगे वाली गाड़ी, पीछे वाली गाड़ी उसके पास आने लगी, सब एक दूसरे के पास आए। अब पहाड़ियाँ हैं, मैंने कहा सर आप रिस्क ले रहे हो, बहुत दिक्कत होगी, सब हॉर्न देखे बजा रहे हैं आपके ऊपर। तो कहते अच्छा चलो। फिर जैसे ही हम आई एम शिलोंग पहुँचे, हम पहुँचे करीब 6:10 में, और हमें गेस्ट हाउस गए, गेस्ट हाउस इतना दूर था समझ लीजिए 150 मीटर दूर। और उसके बाद गेस्ट हाउस में जाकर हमने कलाम ने उस कमरे को बोला कि उस जवान से मिलना, जो खड़ा था वो जवान, तो उस जवान को फिर मैं ढूंढने गया और उस जवान को मैं देखा, और उस जवान को लेकर आने के बाद उन्होंने कहा थैंक यू, और उनकी चाय आई थी, उन्होंने कहा ये चाय तो
ये तुम इसको डिजर्व करते हो, तो मेरे लिए खड़े रहे। तो जवान ने सैल्यूट किया और बोलता है कि सर मैं आप मेरे सुप्रीम कमांडर थे जब मैं आया सर्विसेज में, और मैं आपके लिए 3 घंटे नहीं, मैं आपके लिए 12 घंटे खड़ा रहूँगा, दिन भर खड़ा रहूँगा, ये मेरे लिए गर्व की बात है। और फिर डॉक्टर कलाम ने उस जवान के साथ एक फोटो खींची और बोला कि इसको फोटो भेजो। तो व्हाट्सएप से मैंने फोटो भेजी उसको, और उसके बाद जब मिल गई और जवान डॉक्टर कलाम ने चाय नहीं पी थी तो जवान को दे दी, और फिर जो है वो चला गया। अब नई चाय आ गई, तब तक मैंने कहा सर पी लीजिए, आप कहते नहीं अब देर हो रही है। मैंने कहा नहीं सर 5 मिनट डिले हो गए, कुछ कहते नहीं, अ स्टूडेंट शुड नॉट मेक हिज अ टीचर शुड नॉट मेक स्टूडेंट्स लेट, स्टूडेंट हम कहते स्टूडेंट लेट नहीं आना चाहिए, कहते टीचर लेट नहीं जाना चाहिए। और फिर वो तुरंत गए 6:30 पे क्लास कर, ऑफकोर्स क्लास शुरू करते हुए एक सेंटेंस उन्होंने बोला और उसके बाद गिर गए, और दैट वॉज द एंड ऑफ मॉर्टल कलाम। लेकिन मुझे लगता है कि कलाम एज एन आइडिया, एज ए विजन, एज ए वर्क आप सबके साथ, हम सबके साथ, हर युवा के साथ हमेशा जुड़े। कलाम मरे नहीं, कलाम मरते नहीं, कलाम मरते नहीं है, वो एक व्यक्ति से एक आइडिया बन जाते हैं, इंडिविजुअल टू आइडिया बन जाते हैं, और उतने ही पावरफुल रहते हैं क्योंकि वो लोगों के दिलों में और लोगों के कर्मों में कई जगह फैल जाते हैं। जैसे फूल होता है ना, फूल जब गिर भी जाता है तो भी उसकी खुशबू चारों ओर फैलती रहती है, उसी प्रकार से ये खुशबू हम सब में जीवित रहे और भरती रहे, और हम सब कलाम बने। मुझे लगता है लोग कहते हैं कलाम चले गए, अब दोबारा कलाम नहीं मिलेंगे, मुझे लगता है बहुत कलाम बन सकते हैं, क्योंकि कलाम कर्म से बनते हैं, जन्म से नहीं, जन्म से नहीं। तो जन्म से अगर कलाम बनना होता तो ऑब्वियसली कलाम साहब का तो कोई पुत्र है नहीं, कोई पुत्री है नहीं, तो जन्म से तो कोई कलाम नहीं बनेगा, और बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कलाम तो जन्म से नहीं बने ना। कलाम तो आपने खुद ही बोला मल्लाह के बच्चे थे, तो जन्म से तो मल्लाह थे, लेकिन कर्म से वो राष्ट्रपति, कर्म से हम सब कलाम बन सकते हैं। और आप कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गुजरात में हो, बड़ौदा में हो, सूरत में हो, रामेश्वर में हो, भारत के बाहर हो, लेकिन आप कर्म से कलाम बन सकते हैं। हम इसलिए भारतीय नहीं कि हम भारत देश में जन्म हुए, हम इसलिए भारतीय है कि भारत हम में बसता है, ये भारत है, भारत है, हम खुद भारत है। तो इसी के साथ हम ये इंटरव्यू का समापन करते हैं, और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए SCube फैक्ट्री पर। नमस्कार।